गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ग्रामर का कॉमन टॉपिक है डिटरमिनर्स, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि सभी क्लासेस के लिए, क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 11th, सबके लिए कॉमन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। तो हम डिटरमिनर्स को डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो डिटरमिनर्स है वो डिटरमिन वर्ड से बना है। डिटरमिन का मतलब होता है निश्चित करना। क्या होता है? निश्चित करना, ध्यान से समझिएगा। तो डिटरमिनर्स क्या हैं फिर? तो देखिए, डिटरमिनर्स का काम होता है डिटरमिन करना, निश्चित करना। डिटरमिनर्स का काम ये है। और ये किनको निश्चित करते हैं? ये करते हैं नाउंस को, संज्ञाओं को निश्चित। किसको? संज्ञाओं को। यानी डिटरमिनर्स वो शब्द हैं जो नाउन से पहले लग करके उस नाउन का डिटरमिन करते हैं। मतलब डिटरमिनर्स जो शब्द होते हैं, आपको बताए जाएंगे कौन कौन से शब्द हैं, वो इनका क्लासिफाइड किया जाएगा, भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा, वर्गीकरण। लेकिन डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले लग करके नाउन का डिटरमिन करते हैं, अर्थात नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसी है। मतलब नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन काउंटेबल है, नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यानी गिनने योग्य है या गिनी नहीं जा सकती है। अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन की है या बहुवचन की है, ये बताती है आपको। कौन बताता है ये? ये डिटरमिन, वो जो डिटरमिनर लगेगा वो बताएगा आपको। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए छोटा सा, जैसे मैं लिख देता हूँ ए बॉय। तो देखिए, आपको पता है कि बॉय नाउन है और इससे पहले ए लगाए, ए डिटरमिनर हो गया। ये क्या हो गया? डिटरमिनर। अब ए ने बताया है कि लड़का क्या है? एक है, और यह डिटरमिन कर रहा है कि लड़का काउंटेबल है, बॉय काउंटेबल नाउन होती है और सिंगुलर है। अब इसी एग्जांपल को वापस लिखूं, मैं लिखूं टू बॉयज, दो लड़के, तो जो टू वर्ड है ये डिटरमिनर है। ये क्या है? डिटरमिनर है। ये क्या है? डिटरमिनर है। डिटरमिनर टू जो लगा है वो क्या है? डिटरमिनर है। डिटरमिनर डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए, मैं लिख देता हूं सम बॉयज। क्या लिख देता हूं? सम बॉयज। मैं लिख देता हूं सम बॉयज। अब सम बॉयज में जो सम है ये डिटरमिनर है। अब ये बता रहा है कि जो लड़के हैं, मतलब बॉयज नाउन है, और कैसी नाउन है? काउंटेबल है, है ना? और कैसी है? प्लूरल है। प्लूरल, ये प्लूरल है, बहुवचन की है। कैसी है? प्लूरल है और काउंटेबल है। अब मैं और लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, तो मैनी क्या है? ये बता रहा है कि लड़के हैं जो बहुत हैं, ये क्या है? मैनी डिटरमिनर है। तो इस तरह से आपने देखा ए टू सम मैनी, मैं लिख दूं ऑल बॉयज,
तो ऑल ये सब क्या है, ये डिटरमिनर्स हैं। ये जो नाउन है इनके बाद जो नाउन है, डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के लिए ही लगते हैं। किसके लिए लगते हैं हमेशा? नाउन के लिए। एक बात है इंग्लिश में जो कही जाती है, नो नाउन नो डिटरमिनर, नो नाउन नो डिटरमिनर्स, नो डिटरमिनर। अगर नाउन नहीं है तो डिटरमिनर भी नहीं है। मतलब अगर किसी वर्ड में डिटरमिनर लग रहा है तो वो सिग्नल दे रहा है, वो संकेत कर रहा है कि इसके बाद क्या है, कोई नाउन है। अगर किसी वर्ड में डिटरमिनर लगा हुआ है तो वो आपको सिग्नल दे रहा है, वो आपको सिग्नल दे रहा है, हिंट दे रहा है कि आगे क्या आने वाली है, नाउन आने वाली है ना। तो डिटरमिनर नाउन नहीं है तो डिटरमिनर का यूज नहीं होगा। कहने का मतलब डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं। किससे पहले यूज होते हैं? नाउन से पहले। और वो नाउन का टाइप डिटरमिन करते हैं, उसका जो प्रकार है उसको निश्चित करते हैं कि नाउन काउंटेबल है, नाउन अनकाउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इस तरह से बताते हैं। देखिए अब आप देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए अब मैंने सेंटेंस लिखा है, She is beautiful. अब मैं लिखता हूं, She is a beautiful. अब इसमें ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। ये वाला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहां हमने a डिटरमिनर होता है, आप आगे पढ़ोगे जब पता चल जाएगा, डिटरमिनर का यूज किया है। अब आपको पता है कि जहां डिटरमिनर लग गया तो उसके बाद क्या होना चाहिए, यानी डिटरमिनर किसके लिए लगेगा? नाउन के लिए। जबकि ब्यूटीफुल नाउन नहीं होता, ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।